हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर भाग्यश्री। तो आज हम बात करने वाले हैं नाक से खून आने पर क्या करें, जिसे हम बोलते हैं नोज ब्लीडिंग। आपकी ये जानकारी किसी की इमरजेंसी में मदद कर सकती है, और ये आपने कई बार देखा होगा, और हर किसी की लाइफ में ये कभी ना कभी हो सकती है। वो है नाक से खून का निकलना। वैसे नाक से खून आना नहीं चाहिए, और आता है तो आप लोग सोचते हो कि अरे ये क्या है और अब क्या करें। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नाक से खून निकलना बहुत से कारणों से हो सकता है। सबसे बड़ा कारण है ड्राई नोज। जी हाँ, जब ड्राई नाक होती है, सूखी नाक, तो उसमें खुजली होती है, और खासकर बच्चे जो होते हैं वहां पर बार बार खुजालता है। और मैं आपको बता दूं, हमारी नाक में पतली पतली कैपिलरीज होती है, अब उन्हें खरोच के डैमेज करके ब्लीडिंग चालू कर देते हैं। अब आप बहुत डर और घबरा जाते हैं, अरे नाक से खून आ रहा है, अब क्या करें। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर के कारण हमारी कैपिलरीज जो है वो ब्रस्ट कर जाती है, और उसके बाद आपको नोज चालू हो जाती है। तो अगर आपको बार बार नोज ब्लीडिंग होती है, तो ब्लड प्रेशर भी एक कारण हो सकता है। तो कोई बड़े एडल्ट है और उन्हें ये समस्या है, तो उन्हें ब्लड प्रेशर एक कारण हो सकता है, और ये सीरियस हो सकता है। तीसरा एफ कारण एलर्जी हो सकती है। बहुत लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उसमें हम बार बार स्प्रे देते हैं, जिससे नाक और ड्राई हो जाती है, उसमें खुजली होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और उससे भी ब्लीडिंग होती है। चौथा एक कारण होता है जो कि ज्यादा कॉमन नहीं है, जिनको हम ब्लड पतला करने की दवाई देते हैं, ज्यादा अमाउंट में दे दिया और खून ज्यादा पतला होने के कारण छोटी सी इंजरी से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये हमने देखे मेन कारण इन कंडीशंस में नाक से खून निकलता है। तो अब हम देखते हैं कि अब करना क्या है हम लोगों को। बहुत ही सिंपल, पहली बात तो पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले जिसको नाक से खून आ रहा है, उससे बैठा कर दो उंगलियों से नाक के आगे वाले पार्ट को दबाना है 5 से 10 मिनट तक, ताकि खून जो निकल रहा है वो बंद हो जाए। इस दौरान आप मुंह से सांस लेते रहे। इससे अपने जो छोटी छोटी कैपिलरीज थी, उन्हें अपने दबा दी, और क्लॉट होकर ब्लड आना बंद हो जाता है। तो पहला काम यही है जो आराम से आप घर में कर सकते हैं। इसके बाद आप डॉक्टर के पास जाकर बता सकते हैं। नाक से खून ना आए, उसके लिए आपको आपकी नाक को ड्राई नहीं होने देना है। इसके लिए आप स्टीम इनहेलर कर सकते हैं, आयल यूज कर सकते हैं। आप ब्लड थिनर ज्यादा ले रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दे। तो ये थी जरूरी जानकारी नोज ब्लीडिंग से रिलेटेड। अगर आपको ये पसंद आए हो तो अपने फैमिली वालों से और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।